हेलो एवरीवन आउट देयर, माय नेम इज सुशील जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनी प्लान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस एंड सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आमतौर पर आपने ये दो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा बार सुनी होंगी जब भी आप किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। एक आता हमारा टॉप अप प्लान, एक दूसरा आता हमारा सुपर टॉप अप प्लान। तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में वीडियो होकर सबसे पहले इन दोनों के बारे में बेसिक से डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से भी समझेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। टॉप अप प्लान हमारा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपना 10 लाख का प्लान ले रखा है, ठीक है, और उसमें टॉपअप की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो आपकी 5 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। तो अगर आपका 10 लाख पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है, एंड अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी उसके बाद ही आपको टॉपअप प्लान में आपको क्लेम दिया जाएगा, और सिर्फ जितना एक्सेस हो रहा है आपके डिडक्टेबल या थ्रेशोल्ड लिमिट उतना आपको एक्सेस क्लेम ही दिया जाएगा। जबकि सुपर टॉपअप में ये होता है कि जैसे आप जो क्लेम करते रहेंगे उसमें आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो भी डिडक्ट होती रहेगी, एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पूरा आपका जो सुपर टॉपअप का अमाउंट है वो भी एज अ क्लेम मिल जाएगा अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है। तो मुझे पता है कि आपको इसकी डेफिनेशन को इतना खास समझ में नहीं आया होगा, तो इसी चीज़ को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डेवलप किया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ आएगा आपका टॉपअप प्लान, दूसरी तरफ आएगा आपका सुपर टॉपअप प्लान। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल चालू करते हैं। हमने इसमें बेस प्लान ले रखा अपना 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है, एंड हमारा टॉपअप और सुपर टॉपअप जो हमने कराया है वो हमने 10 लाख का कराया है इसमें, एंड डिडक्टेबल यानी जो हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट है टॉपअप सुपर टॉपअप के लिए वो है हमारी 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर 3 लाख रुपीज़ का क्लेम आता है तो आपका 5 लाख का तो बेस प्लान है ही, तो आपको 3 लाख टॉपअप में भी हमारे बेस प्लान से मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर देखते रहिए, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। इसमें 3 लाख तो आपको अपने बेस प्लान से मिल गया, ठीक है, एंड बेस प्लान आपका 5 लाख का, तो उसमें बचे 2 लाख रुपीज़, एंड जो आपका टॉपअप सुपर टॉपअप का बैलेंस है वो होगा 10 लाख का जो आपका एसडीटीज पड़ा हुआ है। दोनों केस में यही होगा, बट सुपर टॉपअप में डिफरेंस ये आएगा कि आप जो क्लेम करते रहेंगे उसमें से आपके थ्रेशोल्ड भी ना काउंट होती रहेगी। टॉपअप के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया था, क्लेम तभी मिलेगा जब आपका बेस प्लान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड जो बैलेंस क्लेम का अमाउंट है अगर वो आपका थ्रेशोल्ड डिडक्टेबल लिमिट से ज़्यादा है तभी आपको मिलेगा इन एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड ओनली। जबकि सुपर टॉपअप में जो भी आप क्लेम लेते रहेंगे वो आपका एक तरीके से थ्रेशोल्ड में भी काउंट होगा, थ्रेशोल्ड डिडक्ट होती रहेगी, एंड अगर एक बार आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी पूरी तरीके से एक्सीड हो गई तो आपको बेस प्लान अगर खत्म हो गया आपका तो उसके बाद पूरा अमाउंट जो बचेगा आपका वो आपको सुपर टॉपअप से मिल जाएगा। तो सुपर टॉपअप केस में 3 लाख तो आपको मिल गया अपने सम इंश्योर्ड के बेस प्लान से, 2 लाख बचा उसमें, बाकी 3 लाख की यहाँ पे हमने जो थ्रेशोल्ड है वो भी लगा दी। अब हमारे पास थ्रेशोल्ड सिर्फ हमारी अब 2 लाख रुपए की बची है, ठीक है। सेकेंड क्लेम हमारा आता है 6 लाख रुपीज़ का, तो टॉपअप में हमारा 2 लाख का बैलेंस बचा हुआ था, ठीक है, 2 लाख तो हमने टॉपअप से निकाल के दे दिए, हमारा बेस प्लान तो हमारा 0 हो गया अब, ठीक है। अब देखिए 6 लाख का हमारा क्लेम आया है, आपका थ्रेशोल्ड की लिमिट थी 5 लाख रुपीज़ की, तो ये उससे एक्सीड हो गया। एक्सीड होने के बाद आपको सिर्फ में 1 लाख ही मिलेगा क्योंकि 5 लाख का था ही 6 लाख का क्लेम है, बीच का डिफरेंस ही आपको टॉपअप से पे किया जाएगा, एंड आपको 1 लाख रुपीज़ टॉपअप से मिल जाएगा, बैलेंस इन टॉपअप विल बी 9 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपर टॉपअप की। 2 लाख तो आपको मिल गया आपके जो बेस प्लान था, आपका बेस प्लान हो गया 0, ठीक है, एंड अब बात करते थे थ्रेशोल्ड की। पिछले वाले क्लेम में हमने 3 लाख रुपीज़ थ्रेशोल्ड तो अप्लाई कर दी थी आउट ऑफ 5 लाख, बची 2 लाख, ठीक है, 2 लाख में से हमने 4 लाख 2 लाख तो हमने यहाँ से जो थ्रेशोल्ड से निकाल दी, 6 लाख में से 2 लाख हमारा थ्रेशोल्ड पूरी एग्जॉस्ट हो गई। अब हम जितना मर्जी चाहे एक्स्ट्रा क्लेम सुपर टॉपअप से उठा सकते हैं। इस केस में हमारा बचा 4 लाख रुपीज़, तो 4 लाख अब हम जो है इसमें से अपना सुपर टॉपअप से भी उठा लेंगे, जिससे हमारा टोटल क्लेम होगा 6 लाख का। 2 लाख तो हमें मिल गए अपने बेस प्लान से, एंड 4 लाख मिल गए हमें अपने जो हमारा सुपर टॉपअप था वहाँ से, तो उसमें आपका पूरा क्लेम जो एक्सेप्ट हो जाएगा सुपर टॉपअप के केस में। अब फॉर एग्जाम्पल तीसरा क्लेम दोबारा हमारा 2 लाख रुपये का आता है, तो आपका टॉपअप केस में आपका बैलेंस तो हो गया 0 बेस प्लान का, एंड अगर आपको टॉपअप से बैलेंस उठाना है तो आपका उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख की, बट आपका क्लेम है 2 लाख का, तो इस केस में आपको टॉपअप से भी कुछ नहीं मिलेगा। जबकि सुपर टॉपअप की बात करके चले, इसमें आपका बेस प्लान तो 0 था ही, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका थ्रेशोल्ड की लिमिट 5 लाख की पूरी अप्लाई पहले हो चुकी थी। सुपर टॉपअप में सेकंड केस के बाद बैलेंस रह गया था आपका 6 लाख का,
तो इस केस में आपको पूरा पूरा जो आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट है वो आपको अपने सुपर टॉपअप के बैलेंस से मिल जाएगा, जिसके बाद सुपर टॉपअप का बैलेंस आपका रह जाएगा मात्र 4 लाख रुपीज का। अगला क्लेम फिर से आपका 4 लाख रुपीज का आ गया। टॉपअप प्लान की बात करके चले तो उसमें आपका बेस प्लान तो 0 हो ही चुका था, थ्रेशोल्ड 5 लाख की थी वो उसमें क्रॉस नहीं हो पाई, तो आपको उसमें टॉपअप से कोई पैसा देखने को नहीं मिलेगा एंड आपका टॉपअप का बैलेंस अभी भी 9 लाख ही पड़ा हुआ है। जबकि सुपर टॉपअप की अगर हम बात करके चले तो उसमें आपका बेस प्लान 0 ऑलरेडी हो ही गया था, थ्रेशोल्ड भी पूरी पूरी अप्लाई हो चुकी थी, सुपर टॉपअप का बैलेंस आपका 4 लाख रुपीज का ही रह गया था। तो इस केस में आपको जो रिमेनिंग 4 लाख है वो आपको अपने क्लेम के रूप में मिल जाएंगे एंड आपका जो बेस प्लान का अमाउंट था एंड जो आपको सुपर टॉपअप का बैलेंस था वो पूरे पूरे आपके 0 ही हो चुके हैं। अगर इन ऑल अगर हम सब क्लेम्स को जोड़ दें इकट्ठे, टोटल 15 लाख का हमारा क्लेम आ रहा है, तो टॉपअप के केस में 5 लाख तो आपको मिल गया आपके बेस प्लान से, ठीक है, एंड कोई कोई केस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुए, कोई केस में नहीं हुई, तो सिर्फ आपका उसमें एक ही केस में एक्सीड हुआ था जहां से आपको 1 लाख पे हुए थे, बाकी आपका टॉपअप में बैलेंस अभी भी 9 लाख रुपये का पड़ा हुआ है। जबकि सुपर टॉपअप की बात करके चले तो उसमें आपको पूरे पूरे 15 लाख का बेनिफिट मिल चुका है, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस के बाद आके इसमें आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी एंड वो उसके बाद खत्म नहीं हुई थी, तो आपको उसके अंदर से भी क्लेम मिलता रहेगा। 5 लाख इसमें आपको मिला था अपने बेस प्लान से सुपर टॉपअप के केस में एंड रिमेनिंग 10 लाख आपको जो सुपर टॉपअप का बैलेंस था वहां से मिल चुका है, क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी थी एंड दोनों का बैलेंस अब इसमें 0 हो चुका है। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपअप या सुपर टॉपअप की टर्म्स पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि आप अपना सुपर टॉपअप को ही आप चूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करने की जरूरत की इतनी नहीं पड़ेगी एंड आपका क्लेम फुल उसमें से आपको मिल भी जाएगा। शायद इसका प्रीमियम टॉपअप के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट आप कोशिश कीजिएगा आप सुपर टॉपअप का कवर ही लें इन एडिशन टू योर बेस हेल्थ पॉलिसी सम इंश्योर्ड। सो गाइज यही था इस वीडियो में, आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो को कैसी लगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस चीज़ के लिए। एंड गाइज प्लीज इस जो मेरा चैनल है मनी प्लांट कैपिटल सर्विसेज, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज के लिए। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच।